हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो न्यूज शर्मा ग्रुप और मैं हूँ अमन शर्मा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आईटीबीपी ड्राइवर का जो आने वाला था एडमिट कार्ड फिजिकल टेस्ट के लिए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो वो ये जो डिटेल्स ना, बहुत सारे बंदे हमें बार बार कह रहे हैं कि सर ये कैसे आएगा, ये आपने आप बताओ कैसे होगा, कब होगा, कैसे आएगा। तो बहुत सारे बंदे हमें कमेंट्स कर रहे हैं दोस्तों, तो इस वजह से मुझे वीडियो बनाना पड़ा और वो कह रहे हैं कि सर जल्दी से जल्दी वीडियो बना के मुझे बताओ आप। तो भाई आप लोग तो हमारे बॉस है ना, तो मुझे तो वीडियो बनाना पड़ेगा यार। तो इसी वजह से मैंने सोचा जल्दी से वीडियो बना दूं और आप लोगों को पता चल जाए कि ये कब होने वाला है और कब से आएगा। दोस्तों तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि वो कैसे होगा, कैसे मतलब हम चेक करेंगे उसको। तो दोस्तों ये देखिए, ये है ऑफिशियल साइट है, ये आईटीबीपी का ऑफिशियल साइट है। इस पर आप देख सकते हैं, अभी कोई भी डिटेल्स अभी ऐसा दिया नहीं गया है। तो इसमें हम चलते हैं रिक्वायरमेंट में, उसमें देखते हैं कि इसका कोई एडमिट कार्ड वगैरह कुछ आया है या नहीं आया है। देख सकते हैं आप, ये आईटीबीपी का ऑफिशियल साइट है, आप खुद भी देख सकते हैं। तो चलते हैं हम नीचे इसके रिक्वायरमेंट सेक्शन में। ये देखिए इसका रिक्वायरमेंट सेक्शन है, इसमें हम चलते हैं और इसमें चेक करते हैं कि आया या नहीं आया। तो इसको हम करेंगे, इसमें हम जाएंगे और वो देख करेंगे व्यू ऑल, व्यू ऑल करते ही देखते हैं, देख सकते हैं आप ये कुछ इस प्रकार का इंटरफेस का खुल गया है। तो अभी हम करेंगे सेप्टेम्बर, देखना है हमें लास्ट महीने का। तो हम पहले चेक करते हैं मार्च का, ऑल था यहाँ पे, मार्च कर दिया मैंने। देख सकते हैं मार्च 28 तक जो है कुछ भी नोटिस अभी तक पब्लिश नहीं किया गया है। तो यहाँ हम चलते हैं नीचे इसके सेक्शन में, देखिए कुछ भी नहीं है यहाँ। उसके बाद हम चेक करते हैं अप्रैल महीने में भी, आप देख सकते हैं इसमें भी नहीं आया है कोई भी नोटिफिकेशन। तो दोस्तों अगर कोई भी यूट्यूबर्स बता रहे हैं आपको कि इसका ये डिटेल्स आ गया है पूरा, तो ये आप इस पर विश्वास मत करिए और फेक न्यूज़ पर कभी भी विश्वास मत करिए, क्योंकि मैं हमेशा इसे अपने चैनल पर हमेशा एकदम फुल्ली जो है अपडेटेड न्यूज़ देता रहता हूँ और एकदम सही न्यूज़ देता हूँ दोस्तों, क्योंकि कोई भी मतलब गलत न्यूज़ नहीं देता हूँ दोस्तों। अगर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे ना, तो हाँ एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि इसी से हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहेगा दोस्तों। तो आपका यार टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इसकी जो है इसका पूरा टर्म एंड कंडीशन पर डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ, कितना हाइट लगने वाला है, कितना इसमें चेस्ट चाहिए, कितना रनिंग चाहिए, मैं पूरा डिटेल्स आपको देने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए अभी हम ये सर्च करते हैं आपको और दिखाते हैं कि कैसे, मतलब मैंने कोई फार्मा तैयार किया है उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये कैसे क्या मांगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टेप अभी बताने वाला हूं दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं यहां ऊपर में सबसे पहले नंबर में हमने लिखा है, फर्स्ट में जो है ये देख सकते हैं आप, फास्टली कैंडिडेट विल हैव टू गो थर्ड द हाइट बार। तो दोस्तों ये जो है ना, ये हाइट के बारे में कहा गया है, ठीक है दोस्तों। और दूसरा आप देख सकते हो, दूसरा जो मैंने डाला इसमें ये है फिजिकल, ये देख सकते हो फिजिकल टेस्ट के बारे में, पीईटी के बारे में मैंने डाला है दोस्तों। तो ये आप देख सकते हो, इसमें जो है ना मैं पूरी अच्छे तरीके से दोस्तों विस्तार रूप में मैं लेके आया हूँ कि इसमें क्या क्या करना है दोस्तों, कौन से चीज़ में, ठीक है। तो मैं अभी थोड़ा इसे ऊपर करता हूँ, ये आप देख सकते हो, इसमें ये देखो आप, आपको दिख रहा होगा ये रेस जो है आपको, रनिंग जो है वो करना है 1.6 किलोमीटर का जो है रेस करना है, वो भी उसका टाइम जो है आपको ये देख सकते हैं यहाँ पे 7.30 मतलब 7.5 मिनट का आपके पास टाइम मिलेगा दोस्तों। ये 1600 मीटर का जो है दौड़ आपको करना है पूरा, ठीक है। और उसके बाद आपको करना है लॉन्ग जंप जो करना है वो जो होगा आपका 11 फीट का होगा, और इसमें जो है आपको थ्री चांस दिया जाएगा दोस्तों, और रेस में जो है ओनली वन चांस मिलेगा दोस्तों। और ये आप देख सकते हैं लॉन्ग जंप में जो है आपको 3 चांस मिलेगा, जिसमें से आपको 3 चांस अटेम्प्ट करना है। अगर पहली बार में आप क्लियर कर ले तो फिर तो सही है, दूसरी बार में क्लियर कर ले तो फिर सही है, नहीं तो तीसरी बार में आपको क्लियर करना है, नहीं तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और ये आप देख सकते हो हाई जंप जो है वो 3.5 फीट आप देख सकते हो, 3.3 मैंने लिखा है यहाँ पे, मतलब ये 3.5 है, 3.5 फीट इसको पढ़ा जाता है। तो 3.5 फीट जो है इसका भी 3 चांस दिया जाएगा दोस्तों, जैसे मैंने इसमें बताया कि पहली बार में अगर नहीं हुआ तो दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार नहीं हुआ तो फिर आप नॉन क्वालिफाई हो जाओगे, अगर नहीं पहली बार में आप कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो आपको अब मैं आगे बताने वाला हूँ फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है, PST के बारे में दोस्तों। तो इसका देख सकते हो आप, इसका जो हाइट जो है ना आपको जो है इसमें हाइट देख सकते हैं, जनरल SC और OBC
कैटेगरी के लिए जो है 170 सेंटीमीटर हाइट मांगा जाता है दोस्तों, ठीक है। और एसटी कैटेगरी के लिए आप देख सकते हो, एसटी कैटेगरी के लिए ओनली और एसटी के लिए ये 162.5 सेंटीमीटर मांगा जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये देख सकते हो एसटी कैटेगरी के लिए जो है ये नन, जो नॉर्थ वाले बंदे होते हैं, आप देख सकते हो एसटी कैटेगरी जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेटस, उनको उनके लिए जो है 160 सेंटीमीटर आपको मांगा जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ये देख सकते हो आप नंबर चार में आप देख सकते हो ये गोरखा के लिए, आप देख सकते हो गोरखा डोंगरास ETC, मतलब ये इनके लिए जो है ना हाइट जो है 165, ठीक है 165 सेंटीमीटर लिया जाएगा दोस्तों। और इसके बाद देख सकते हो कैंडिडेट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेटस, मतलब ये जो नॉर्थ ईस्टर्न वाले जो कैंडिडेट होंगे ना, नॉर्थ ईस्ट वाले, उनके लिए जो है ना ये जो आप, मैंने ये दिखाया था आपको तीसरे नंबर में जो है एसटी कैटेगरी जो नॉर्थ ईस्टर्न वाले हैं उनके लिए ये 160 सेंटीमीटर, क्योंकि वहाँ का आदमी जो होते हैं ना, वहाँ हम लोगों के हाइट से जो है ना वो थोड़ा कम हाइट के होते हैं, मतलब नॉर्मल हाइट के होते हैं, इसी वजह से उनका जो है थोड़ा हाइट कम दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे भी आप देख सकते हो कैंडिडेट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न यहाँ देख सकते हो स्टेटस जो है यहाँ दिया हुआ है 162.5 सेंटीमीटर उनका लिया जाएगा दोस्तों। तो इसी प्रकार अभी हम बात करते हैं अब चेस्ट की, जो चेस्ट आपको वहाँ कितना मांगा जाएगा दोस्तों। तो आप देख सकते हो यहाँ चेस्ट मैंने कैटेगरी वाइज बांट रखा है, इसका सारा डिटेल्स आप देख सकते हो यहाँ पे, जनरल SC और OBC ये तीनों कैटेगरी का जो है ना दोस्तों आप देख सकते हो 80 से 85 सेंटीमीटर मांगा जाएगा। और दोस्तों आप ये देख सकते हो एसटी कैटेगरी के लिए जो है 76 से 81 सेंटीमीटर मांगा जाएगा, और एसटी कैटेगरी के लिए नॉर्थन ईस्टर्न स्टेटस के लिए जो है आप देख सकते हो 76 से 81 सेंटीमीटर मांगा जाएगा, और गोरखा के लिए जैसे मैंने बताया था वैसे आप देख सकते हो 78 से 83 सेंटीमीटर मांगा जाएगा, और कैंडिडेट फोर ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेटस के लिए देख सकते हो आप 77 से 82 सेंटीमीटर मांगा जाएगा। और यहाँ से देख सकते हो आप वेट जो है, वेट का पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, वेट जो है आपका वो आपका वेट और हाइट के हिसाब, सॉरी आपका जो है एज और हाइट के हिसाब से आपका जो है वेट लिया जाएगा दोस्तों। तो हम अभी बात करते हैं आगे, अब रिटर्न एग्जाम की बात करते हैं अभी हम। आप देख सकते हो नंबर चार में हमने बना रखा है रिटर्न एग्जाम के लिए, इसका सारा डिटेल्स यहाँ दे रखा है मैंने, आप नीचे देख सकते हो इसका मैंने कैटेगरी वाइज बांट रखा है कि कौन कौन सी चीज़ कितना नंबर का वहाँ पूछा जाएगा दोस्तों। तो ये आप देख सकते हो यहाँ नीचे, ये आप देख लो यहाँ पे है जनरल नॉलेज जो है ना दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हो जनरल नॉलेज, आपको जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के, क्योंकि दोस्तों इसमें जो एक क्वेश्चन होता है ना वो एक मार्क्स का होता है, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ देख सकते हो जनरल नॉलेज जो है आपको 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 मार्क्स का, ठीक है। और मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स आपको 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 मार्क्स का, और आप हिंदी देख सकते हो, हिंदी जो है 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 मार्क्स का, ठीक है। और इंग्लिश भी जो है वो भी 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 मार्क्स का, ये चारों मिला के हो गए दोस्तों टोटल 40 मार्क्स। और आप उसके बाद आपको पूछा जाएगा 10 सॉरी ट्रेड जो है, ट्रेड से रिलेटेड जो है ड्राइवर से है, तो ट्रेड में जो है 60 नंबर मिलता है दोस्तों, तो ड्राइवर के लिए, तो यहाँ देख सकते हो ड्राइवर के लिए 60 नंबर जो है आपको ट्रेड से मिलेगा दोस्तों, ट्रेड एग्जाम जो होता है उसमें मिलेगा आपको नंबर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसी प्रकार अभी हम बात करते हैं, इसी प्रकार भी हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसका कट ऑफ डिटेल्स भी मैंने बना रखा है, पूरा एकदम डिटेल्स में दे रखा है यहाँ पे, आप देख सकते हो इसका जो है कट ऑफ मार्क्स जो है, कट ऑफ मार्क्स फॉर क्वालिफिकेशन इन रिटर्न एग्जाम, रिटर्न एग्जाम में जो कट ऑफ मार्क्स था इसका दोस्तों, कम से कम आपको जो है ये इसके लिए जो है आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, कम से कम पासिंग मार्क्स चाहिए तो 35% मार्क्स होना चाहिए, वो भी जनरल और एक्स सर्विसमैन दोनों के लिए दोस्तों। आप देख सकते हो जनरल और एक्स सर्विसमैन के लिए 35 होना चाहिए, और SC और ST और OBC इन तीनों के लिए जो आप देख सकते हो 33% मार्क्स होना चाहिए, कम से कम 33% मार्क्स होना चाहिए जब भी आप क्वालिफाइड कर पाओगे। बाकी तो आपको पता ही होगा जैसे कि अदर कंपटीशन में चलता है कि जो ऊपर से वो लेते हैं कि जिनका सबसे ज़्यादा नंबर है ऊपर से लेते हैं, अगर ऊपर से उनको बच्चा पूरा हो जाता है तो फिर नीचे वाले को नहीं उठाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है और अच्छा मार्क्स लाना है। तो आप सोचिए कि कैसे हम अच्छा मार्क्स लाएँ। दोस्तों आप पूछ रहे थे कि इसका एडमिट कार्ड आया या नहीं आया, तो दोस्तों अभी नहीं आया है, अगर आएगा तो हम आपको वीडियो बनाकर सूचित कर देंगे कि आया या नहीं आया है। वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो है लिंक मैंने अपने दे रखा है, यहाँ देख सकते हो आप यहाँ पर जो है ये अवेलेबल सून हो जाएगा अपने आप, अवेलेबल सून लिखा हुआ है, मतलब आने वाला है, आया नहीं है दोस्तों, आएगा तो यहाँ पे क्लिक हेयर जैसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक हेयर दिखेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये अभी तक नहीं आया है, तो आप ज़्यादा आप कंफ्यूज ना हो और हमारे वीडियो को देखते रहे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी दोस्तों, ठीक है। मैंने जैसे कि पहले भी बताया आपको कि
इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ सही जानकारी दिया जाता है, क्योंकि और यूट्यूबर्स की तरह फेक न्यूज़ इस पर नहीं दिया जाता है दोस्तों। ओनली वन सही न्यूज़ दिया जाता है, जो आपका जो ज़रूरत की न्यूज़ होती है वही दी जाती है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैंने पहले भी कहा था कि सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें, और हाँ बेल आइकन भी दबा लें, क्योंकि इस तरह का लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल पर आता रहे।